लेबर होता है और सकरीन होती है, मीठा भी नहीं होता, इससे अच्छा तो गुड़ खा लो, मिठाई खा लो, वो सही है। 40 रुपया का पानी पीते हो समझ लो, आधा लीटर का है ना, और उसमें जो है काला काला रंग, तो जामुन का रस डाल लो, थोड़ा मिठाई डाल लो, पानी डाल लो, शरबत, वो तब भी फायदा कुछ ना कुछ करेगा, वो कुछ नहीं करता है, ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जो है मिली है ना, अब कोई उससे फायदा नहीं है कि भूख प्यास थोड़ी देर के लिए जो मर जाएगी, क्योंकि तुमने इतनी ऑक्सीजन पी ली है, तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा डाउन और शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले ली, तो जैसे गैसे डकार के रूप में बाहर निकल जाती हैं। तो ये देखिए जब ये रहेंगी तो इतनी खतरनाक गैसे हैं, तो बॉडी को तो ये देखिए नेचुरल है बॉडी, ये किसी गलत चीज को अपने अंदर नहीं रखती है, सब उठा के जो है बाहर फेंकती है। इसके बाद बात आती है रेटिकुलम, जालिका या मधुकोश, ठीक है। रेटिकुलम यह पशु का दूसरा पेट होता है, कैसा पेट होता है, दूसरा पेट होता है जिसकी भोजन संग्रह क्षमता 8 किलोग्राम होती है, कितना भोजन इसमें संग्रहित होता है 8 किलोग्राम। यह मधुमक्खी के छत्ते की तरह हृदय के पीछे लगा होता है, देखिए यह जो होता है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह, हमने हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, उसकी तरह हर्ट के पीछे होता है, तभी कहा जाता है कि कभी जो है कील और जो है कील के साथ साथ जो है ब्लेड ब्लेड जो है अंदर कभी ना खा ले कोई जानवर, अगर कील या ब्लेड अंदर खा लेगा तो क्या होगा कि कभी अगर इसको फाड़ दिया रेटिकुलम को तो हर्ट में सीधी कील चली जाएगी, और हर्ट में कोई भी चीज़ अगर थोड़ी दिए समझ लीजिए तो उसके जो है उसके लिए भी हेमराज है, ऐसा नहीं गाय भैंसा भैंसा होता है हेमराज चढ़ के आता है तो उसके लिए भी हेमराज दूसरे वो अगर बड़े वाले भैंसे पाता है, ठीक है। हाथी चला आता है कभी कभी जो है वाहन चेंज कर लेता है जब उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, ठीक है, तो लेकिन मौत उसकी भी हो जाएगी। तो 8 किलोग्राम होता है, यह मधुमक्खी के छत्ते की तरह हृदय के पीछे लगा होता है, इसमें भी कोई प्रोसेस डाइजेशन की नहीं होती है, ये केवल और केवल इसका काम होता है कि जो चारा खाया है वो और छोटा कर दे, उसकी ग्राइंडिंग कर छोटा छोटा और फाड़ देता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ओमेजम की, अगला है। अब बात आती है देखिए ये किसी भी प्रकार का जो है हमने लास्ट में जो बताया था रेटिकुलम पाचक स्रवाव नहीं करता है, यानी कि कोई भी डाइजेशन शुरू नहीं करता है, पाचन का कोई भी स्राव नहीं करता है। अब बात आती है ओमेजम की यानी कि भज्जिका की, तो ओमेजम की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो ओमेजम का आकार 19 किलोग्राम का होता है और इसमें 50% पानी का संचय होता है, यानी कि जो पानी आपने पिया था या पशु को पिलाया था है ना, पशु को जो पानी पिलाया गया उसका 50% जो है इसमें संचय होता है, 50% पानी ये जो है संचय करता है। इसके बाद बसी अम्लों का अवशोषण करने में सहायक होता है, और ये ही जो है वो क्या करता है, बसी अम्लों का अवशोषण करने में सहायक होता है, यानी कि फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, कौन ओमेजम, इसको शुरू कर देता है फैटी एसिड, फैटी एसिड्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, यानी कि बसी अम्ल होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड। और फैटी एसिड्स हैं कौन कौन से, देखिए ओलिक होते हैं, लिनोलिक होते हैं, लिनोलेनिक होता है और एराकिडोनिक होता है, ये सब फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं देखिए बता देते हैं आपको, फैटी एसिड तो फैटी एसिड में आपकी होती है ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, ये सब क्या है एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है, ये होते हैं फैटी एसिड्स। और इस जो ओमेजम होता है इसमें फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, तो ये ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक एसेंशियल फैटी एसिड्स की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला है, देखिए लास्ट पेट इसको कहा जाता है एबोमेजम या जठराशय इसी को कहा जाता है, यह अंतिम पेट है, अमाशय के केवल इसी भाग में पाचक रसों का स्राव होता है जिसमें लगभग 0.5% हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल पेप्सिन और रेनिन अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में क्या होता है, जो लास्ट पेट है, ये चौथा पेट होता है पशुओं का, फोर्थ पेट होता है, इसी को एबोमेजम कहते हैं या जठराशय कहते हैं। इसमें जो है डाइजेशन शुरू होता है और इसी में 0.5% HCl, पेप्सिन और रेनिन अम्ल पाए जाते हैं। देखिए पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विभाजित करता है। क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विभाजित करता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स की संख्या जो होती है 10 होती है, 10 है ना। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, वो होते हैं 10। ठीक है, ट्रिप्टोफीन, वैलीन, बहुत सारे हैं ना, मेथियोनीन भी है। मेथियोनीन की डिफिशियंसी सीरियल्स में होती है, लेकिन पल्सेस में अबंडेंस मात्रा में बाहुल्यता से पाया जाता है मेथियोनीन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है देखिए बाहुल्यता से पाया जाता है मेथियोनीन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है देखिए रेनिन छोटे बच्चों में दुग्ध का दही बनाकर पाचन करता है। ठीक है, ये भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है रेनिन। गाय भैंसों में एबोमेजम को भोजन संग्रह क्षमता जो होती है लास्ट पेट की कितनी होती है, चौथे पेट की भोजन संग्रह क्षमता जो होती है चौथा पेट, फोर्थ पेट है, इसकी भोजन संग्रह क्षमता 23 किलोग्राम के करीबन होती है। और रेनिन जो होता है बच्चों में दूध का दही, यानी कि दूध फाड़ने वाला भी बताया जाता है इसे, ये दूध को फाड़ देता है और इसमें से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद जठराशय में पीएच जो होता है, पीएच 2 होता है इसका, अधिक अम्लता होने के कारण भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मार देता है। ठीक है, अब इसकी क्या स्थिति होती है कि जो जठराशय होता है एबोमेजम में होता है, ये जो है इसमें हाई पीएच रेंज होती है, पीएच बहुत कम होता है, मतलब एसिडिक ज्यादा होता है। कैसा होता है, अम्लता बहुत हाई होती है, एसिडिटी बहुत अधिक होती है, एसिडिटी, और इसी एसिडिटी की वजह से जो बाहर से जीवाणु आए हैं, जो बाहर से बैक्टीरिया आए हैं, है ना, क्या है बैक्टीरिया, ये सभी जो है मर जाते हैं। बाहर से आए हुए बैक्टीरिया जो है इतनी अत्यधिक एसिडिटी अम्लता के कारण क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी जो है हुई इसमें। अगला देखेंगे, देखिए प्रति एक गाय एक दिन में लगभग 100 से 200 लीटर लार का श्रवण करती है, श्राव करती है, और लार का पीएच जो होता है 6.5 से 7.5 तक होता है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, एक गाय लार क्या होता है, जब भोजन करेगी तो भोजन में लार को जो है फावड़े की तरफ पलट पलट के मिलाती है, तभी तो क्या करती है, एक बार खा लेती है फिर पलटती है, फिर उसमें जो है चबाती है जब खाने को, तो और बहुत सारी लार जो है मिल जाती है उसमें, तो एक दिन में लगभग जो है 100 से 200 लीटर तक लार का श्रवण करती है। ठीक है, अब बात आती है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत बाई जूस बनाता है जो हेपेटिक डक्ट द्वारा लीवर से बाहर आता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद करना है, जो यकृत होता है लीवर होता है वो बाई जूस बनाता है और वो हेपेटिक डक्ट के द्वारा जो है इससे बाहर आता है। ठीक है, क्या बनाता है, बाइल जूस कौन बनाता है, लीवर बनाता है, और ये हेपेटिक डक्ट के द्वारा जो है बॉडी से इससे बाहर लीवर से आता है। ठीक है, तो लार और यकृत की बात हुई, चलिए आगे देखते हैं। यकृत विषैले तथा अनावश्यक तत्वों का शरीर से निष्कासन करता है। देखिए ये बहुत बड़ा जो है सही आदमी, हमने बताया था पहले से ही कि यकृत जो है अगर कोई आप गलत चीज लेंगे बॉडी में तो उसका निष्कासन करता है, मतलब छलनी समझिए इसको, छान छान के अंदर भेजता है, फिर भी आदमी जो है पी जाता है कुछ ना कुछ जो उसके मन में आता है, कहीं धूम्रपान करता है, कहीं जो है कोल्ड ड्रिंक पीता है, कहीं कुछ पीता है, तो ये जो है बाहर कर देता है इसको। ठीक है, यकृत विषैले तथा अनावश्यक तत्वों का शरीर से निष्कासन करता है तथा यकृत कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करता है। देखिए ये ग्लाइकोजन है ना, क्या है, ग्लाइकोजन है। ठीक है,
ग्लाइकोजन का कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, संरक्षण करता है यानी कि संग्रह करता है, ठीक है, स्टोर करता है इसको, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, कौन करता है, यकृत करता है, ठीक है। चलिए आगे, अब इसके बाद है पैनक्रियास अग्न्याशय। तो अग्न्याशय देखिए पैनक्रियाटिक जूस का संश्लेषण करता है, इसका अंतःस्रावी भाग इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो सीधा रक्त में आता है तथा शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये बात थी पैनक्रियास के बारे में या अग्न्याशय के बारे में, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस का संश्लेषण करता है और इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इंसुलिन के इंजेक्शन भी मधुमेह रोगियों को दिए जाते हैं, ठीक है, जो मधुमेह डायबिटीज के रोगी होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद बात आती है अगला जो चैप्टर होगा आपका वेटरनरी साइंस का, ठीक है। तो वेटरनरी साइंस में टर्मिनोलॉजी होगी, उससे एक या दो प्रश्न जो है जरूर के जरूर आते हैं, कहीं पूछ देगा कि कल क्या होती, तो बाद आप लोग जो है बायो की क्लास करिएगा, ठीक है। चलिए।